क्या बात है यार, सुना है कल तू लड़की से मिलने गया था, फोटो वोटो लाए हो क्या? गया था ना यार, लेकिन उसके बाप को पता चल गया। क्या बात कर रहा है यार? हाँ, मगर फोटो लाया हूँ मैं। दिखा दिखा। आए देखना। अरे क्या मस्त आइटम है यार। ना यार, पार्टी तो बनती है। चल साले, कोई पार्टी वार्टी नहीं मिलेगी। बोल बोल, कब देगा पार्टी? क्या हर बार मेरे चूतिया काटते हो तुम। और ये तो बता, कब मिला रहा है उससे? अरे मिला दूंगा यार, अभी तो मेरे ही बांधे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ अब भी इसका मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे अरे चालू हो जल्दी। अरे क्या हुआ कलीम भाई? अरे क्या पता साला, चालू ही नहीं हो रहा है अभी तक। अरे देखना साला, पुनको अर्जेंट काम से बाहर जाने का था और इसका ड्रामा भी चालू हो गया साला। अरे यार इसका तो रोज का ही है। वैसे ये पंटर कौन है? ये अपना यूसुफ भाई, गांव से आया है, दोस्त है अपना। और हाँ, ये अपना कलीम भाई, फिल्मों में काम करते हैं, बड़े बड़े स्टंट मारते हैं। हाँ शाहरुख को देखा है? शाहरुख को? अरे अपन लोग साथ में सिगरेट फूकता। फिर तो देवगन को भी देखा होगा। देवगन? अरे देवगन, अरे देवगन का शूटिंग चल रहा था। सारे लोग किधर? गर्दी में। अपुन अलग सलग, समझा गया? अपुन की आंखें चार हो गई। थोड़े देर पे स्पॉट बॉय आया अपुन के पास, समझा गया? अपुन को बोलने लगा साहब बुला रहे हैं। अपुन गया उधर पे, अपुन को बोलने लगा तू स्टंट करता है क्या? मैं बोला आपको कैसे मालूम? मेरे को बोलने लगा तेरे हाथ में जो गट्ठे है ना, ये सब बता रहे। अबे गट्ठे रे, अपुन डिप्सा मारता ना सुबह सुबह, सब समझ गया वो अपुन का फिगर देख के। लड़का मेहनती है, समझा? फिर क्या था, अपुन को बोलने लगा मेरे पैर में चोट लगी है, क्या तू मेरा स्टंट करेगा? मैं बोला इतना बड़ा इंसान अपुन को रिक्वेस्ट कर रहा है, अपुन एक मिनट नहीं लगाया भाई लोग बाइक में बैठने के लिए, बस एक टेक पे सारा काम तमाम। उसके बाद जो लोग आगा तालिया, उसके बाद देवगन अपुन का, अपुन देवगन का फैन, समझा गया? चलिए ले देना। और अक्षय को देखा? एक मिनट पकड़ पकड़। नहीं रे, वो अपना स्टंट खुद ही करता है। वैसे अपना सुल्तान सलमान से कम दिखता है क्या? अरे हाँ भाई, समझ गया मैं, समझ गया, ये लो। अरे तू बिन बोले समझ जाता है, तू ही मेरा भाई। हाँ जा जा, 3 घंटे लगेंगे। अरे नहीं भाई, 2 घंटे में आ जाना। अरे मेरी बात, अरे सुन, तू फिकर मत कर, अपुन आ जाएगा। हद है यार। क्यों बे कलीम, कलीम कलीम। अरे क्या यार, आएगा वो 1-2 घंटे में। कहाँ थे अब तक, कब से फोन कर रही हूँ? अरे समा मेरी जान, मुझे कहीं नहीं जाना घूमने, मैं जा रही हूँ। अरे अरे ए समा, समा समा सुनना मेरी बात सुनना। समा काहे को नाराज होती तू? हाँ काहे को छोटे छोटे बातों पे गुस्सा करती? वैसे भी थोड़े दिनों में अपना मिलना जुलना बंद हो जाएगा। और ये क्या कलीम, तुम जब देखो तब सुल्तान के बाइक लेके घूमते हो। अरे तेरे अब्बा भी तो नहीं दे रहे दहेज में, मैं क्या करूँ? चलो बैठो, अभी टाइम वेस्ट मत करो। दादा एक गुटका देना। इकड़े नाव का है तुझा? क्यों, क्या हुआ साहब? कलीम को जानता है? हाँ जानता हूँ साहब। किधर रहता है वो?
ये यहाँ से अंदर साहब। मैं तेरे लिए ताजमहल भी बनाता, पर तेरे ताजमहल को बनाने के लिए ना अपुन को 2-4 बिल्डिंगें गायब करनी पड़ेंगी, समझी मेरी मुमताज? पढ़ा आया ताजमहल बनाने वाला। अरे समा सुना, अपुन क्या बोलता है एक बार थोड़ा थोड़ा सा? क्या शर्म भी भेज आया और कुछ दूसरा सोचता नहीं तुमको? तू क्या समझी, अपुन तेरे को बोला अपुन को तेरा दीदार करने का है अच्छे से। अरे चांद का तू क्या समझी, बोल। हाँ बोल 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 बोल। अरे सलमा सुनना, अरे ये लोग ने डिस्टर्ब कर दिया यार एक बार थोड़ा सा। बोलो मेरी जान कैसी लगी? चाय अच्छी थी। अरे चाय के बारे में अपुन नहीं बात कर रहा है फिर? अरे जो तोहफा दिया था ना तेरे को वो कैसी लगी? वो इसे भी बचना था। अरे सुल्तान तेरे को बोला ना 2-4 घंटे लगेंगे अपन को, काहे को बार बार फोन करता है तू? हाँ कान, अपन ने कोई कांड वान नहीं किया है, तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना अपन के साथ? ठीक है अपन आता है। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बर्थडे के दिन मार खाने का प्लान क्यों बना रहा है बे? जो कुछ भी जानता है सच सच बोल दे। बोल मत कर। कुछ मिला क्या मोबाइल में? नहीं साहब, बस फोटो ही है इसमें। नाव सांग रे कलीम साहब, कलीम साहब। ये क्या बोला, कुछ सुनाई दिया क्या? अभी बोल। खाना नहीं खाया क्या तू? जोर से बोल। कलीम साहब, कलीम, कलीम, कलीम। क्या काम करता है? पिक्चरों में काम करता हूँ साहब। तू दिखता ही चुलेन है। नहीं नहीं साहब, सब छोटे मोटे रोल करता हूँ पिक्चरों में साहब, जो हीरोइन उनका आगे पीछे रहता है ना साहब, वही काम करता हूँ साहब। 8 फीप को किधर था तू? 8 फीप को इधर ही था, इधर ही था साहब। साहब ये कुछ फोटो मिले इसके मोबाइल में। अब बोल साले। जहांगीर शेरवानी। गया था अपुन पर उसी दिन आ गया साहब। झूठ बोल रहे साले, झूठ बोल रहे। काय के लिए गया था पुनः? हाँ साहब, शेरवानी लाने गया था शादी के लिए साहब। ये फोटो निकाल के किसको भेजा तू? साहब किसी को नहीं भेजा साहब। किसी को नहीं। ये ऐसे नहीं बोलेगा साहब। इमरान साहब वो भी तेरे साथ काम करता है क्या? साहब वो चाचा के साथ उनके कपड़ों की दुकान में काम करता है साहब। 13 तारीख को क्या कांड किया वहाँ पे? अपुन ने कुछ नहीं साहब, अपुन को कुछ समझ नहीं आ रहा साहब, आप क्या बोल रहे हो साहब, अपुन नहीं समझा साहब। समझ में नहीं आता तुझको? अब समझाता हूँ मैं तुझे। देख मैं 2 दिन से सोया नहीं, सच सच बता। हाँ ये कांड तूने किया ना? नहीं सर, सच बोल रहा है कसम से सर, सच बोल रहा है। मार तो समझा नहीं तू? 50 लोग मारे गए, 5 चोर, हम क्या तेरे को इधर चूते दिख रहे क्या?
पुणे में जाकर ब्लास्ट किया ना तूने, हाँ? और ये आराम से घूम रहा है, शादी भी कर रहा है, पिछले दो महीने से हमारे यहाँ बैंड बजी हुई है, ये ब्लास्ट तूने किया ना? नहीं नहीं नहीं, कसम से साहब ने आपने कुछ नहीं किया साहब। इसको मैं आपको बहुत जाना समझता है क्या? मैं बोल साले बोल, कौन कौन था तेरे साथ? हाँ कौन था बता साले बता। तेरे साथ बोल बता बता बोल कौन था तेरे साथ बोल बोल। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? तूने कुछ नहीं किया साहब। तो पूना के अलग अलग लोकेशन के फोटो तेरे मोबाइल में कैसे आए भैंचोद? हाँ कैसे आए मातरचोद? हाँ कैसे आए मातरचोद? कैसे आए बोल बोल। थोड़ा फोटोग्राफी करने का शौक है साहब। फोटोग्राफी करने के लिए पुणे ही मिला था क्या? साहब उसमें और जगह के भी फोटो है साहब। क्या खाना साले तू पुणे? फोटो निकाल के किसको भेजा तू? किसको भेजा? किसी को रे देख, तेरा नाम कलीम है, तू पुणे गया, वही एरिया में ब्लास्ट हुआ, इंटेलिजेंस ने तेरी एरिया की लोकेशन ट्रेस की है, और तू मुझे बताएगा क्या? तूने कुछ नहीं किया? कलीम ना होने से कोई टेररिस्ट नहीं हो जाता। लेकिन हर टेररिस्ट सलीम अलीम कलीम ऐसे ही होते हैं ना? कब तक हर एक कलीम को जवाब देना पड़ेगा कि वो टेररिस्ट नहीं है? सबके आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है और कोई हमें एक ही नजर से देखता है। 20 दिनों में मेरा निगाह साहब, घर पे सारी तैयारी हो चुकी है साहब, घर वालों को सब पता चलेगा तो क्या होगा उनका साहब? तो ये कांड करने से पहले सोचना चाहिए था ना? कांड कौन सा कांड साहब? अपने कोई कांड नहीं किया साहब, मुसलमान होना क्या क्या जुर्म हो गया क्या साहब? बोल बोल, हमारे पास और भी तरीके हैं खुलवाने के साहब, तेरे को जितना पूछ रहे ना उतना ही जवाब दे। देख तेरा नाम कलीम है, तू मुसलमान है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, सारे सबूत तेरे खिलाफ है, टाटा और पोटा में पकड़े जाने वाले तेरी बिरादरी के लोग है ना? हाँ है कोई जवाब तेरे पास? बोलना बोलना साहब, जवाब तो दे रहा हूँ साहब। कौन सा जवाब दे रहा है तू मातरचोद? कौन सा जवाब दे रहा है तू? ब्लास्ट करके तुम्हारे बाप बाहर बैठकर तुमको ऑर्डर देते हैं और तुम लोग उन्हीं को फॉलो करते हो ना? हाँ देश के तो टुकड़े कर दिए, और कितने टुकड़े करोगे? 47 में तुमको चांस मिला था ना, चले क्यों नहीं गए वहाँ? हाँ तुम जैसे गधों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। अलग देश बना के ना वहाँ कोई सुख शांति से जी रहा है, ना यहाँ कोई चैन की मौत मर रहा है। साहब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? अरे साहब को उल्टा जवाब दिएगा। साले अपनों के लिए प्यार जागी गया ना, यही कड़वा सच है। साले तुम लोग खाते यहाँ क्यों और गाते वहां क्यों? साले कब तक तुम मजहब के लिए एक दूसरे का खून पीते रहोगे? 93 का ब्लास्ट किया, 2006-2008 का अटैक, हर बार तुम्हारी कौम के लोग क्यों पकड़ जाते हैं? तुम जैसों की वजह से हमारी जिंदगी में ना सुख है ना शांति है, हराम हराम हो गया हमारे लिए। हे का कोई जॉब तेरे पास? हाँ है कोई जॉब? ए मुखुलवा मारो साले को, मारो बोल मारो बोल 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 बोल, क्या था ना तू पुणे? बोल बोल क्या था ना? हाँ क्या था ना तू पुणे? बोल बोल बोल, रस्सी निकाल, रुक साले अभी तेरे को स्पाइडरमैन बनाता हूँ। कौन है तेरे साथ और कौन कौन है तेरे साथ? हाँ कौन है, नाम बोल नाम बोल।
स्टेशन पर पकड़ला गेला। उन्हें ब्लास्ट सा मुख्य आरोपी कलीम पकड़ला गेला। साहब उन्हें कुछ नहीं किया साहब साहब उन्हें कुछ भी नहीं किया साहब। सर वो जो असली वाला कलीम था ना वो पकड़ा गया सर। आता क्या कराए सर? क्या करना है छोड़ दो। वो क्या कोई विजिटिंग कार्ड लेकर आया था क्या? एक को पकड़ने के लिए 100 लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है, ये समझाना पड़ेगा क्या? जाओ। ओके सर।